जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है गोवर्धन पूजा, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये मेरी सासू माँ ने और मैंने मिलके बनाया है। जैसा भी बनाए हमसे वैसा हमने बना लिया है। और ये हमारे ससुर और सासू माँ दोनों हैं जो कि पूजन कर रहे हैं। और ये जो ताली बजा बजा के डांस कर रहे हैं वो क्यूट के हस्बैंड हैं। और बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, पापा देख के उन्हें हंस रहे थे, क्या करने लग रहा है बैठा बैठा। और मेरा लाला भी देखो साइड में बैठा हुआ है। और मेरे लाला की ये गोवर्धन पूजा पहली पूजा है इसकी, यानी कि गोवर्धन फर्स्ट बार इस घर में इसका हो रहा है, क्योंकि ये 2 महीने का हो चुका है। और देखो क्यूट की बेटी है, मम्मी पापा लाला मेरा बैठे हुए हैं और ये पूजन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे खील बतासे और ये कड़ी चावल पूड़ी हलवा मिठाई इससे पूजा जाता है। और आपके यहाँ किस किस चीज़ से पूजते हैं तो मेरे को ज़रूर बताना, आप लोग किस किस चीज़ से इनको पूजते हो, क्या करते हो। हमारे यहाँ तो जिससे पूजा जाता है वो ये सब सामान रखा हुआ है। और हमारे यहाँ अन्नकूट भी बनता है सुबह के टाइम में, तो वो उसका भी भोग लगाया जाता है। और ये मेरा छोटा बेटा है तो उसको ठीक से पूजा करना तो आता नहीं है, जैसे भी आता है बेचारा कर रहा है। सबने अच्छे से पूजा की, विधिपूर्वक पूरी अच्छी तरीके से पूजा करी थी सबने। और इससे पहले बच्चों से पहले मैंने की थी, पहले मम्मी पापा ने, फिर मैंने, फिर बच्चों ने, फिर क्यूट और क्यूट के हस्बैंड ने की थी। और ये बड़ा बेटा है मेरा जो कि पूजा कर रहा है। और मेरा सबसे छोटा बेटा साइड में बैठा है, आराम से देख रहा है। और सभी ने उसको मिठाई विठाई सब कुछ अच्छे से खिला दी थी, बेचारे के अच्छे खासे मुंह में चिपका दी थी सबने। और ये अच्छे विधिपूर्वक सब लोगों ने पूजा की, बहुत सुकून से, शांति से, बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। और मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे, वो ड्यूटी थे, बाकी के सभी परिवार वालों ने अच्छे से विधिपूर्वक पूजा कर ली थी। ये मेरे बेटे हैं दोनों, क्यूट की बेटी हैं, उसके हस्बैंड हैं, मम्मी पापा यानी हमारे सासू माँ ससुर जी जो कि पूजा कर रहे हैं। और क्यूट ने और मैंने में परिक्रमा लगाई थी बाद में, क्योंकि हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ा सा वीडियो शूट किया, फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने भी परिक्रमा लगाई, साथ में ही लगाई थी सब लोगों ने। तो हमारे इधर जो है ये 7 परिक्रमा लगाते हैं हम लोग। क्यूट की बेटी को देखो कैसे लग रही है, ऐसा लग रहा है कितना शांत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। ये बहुत शरारती लड़की है और यहाँ बस ऐसे अनजान बन रही थी, कुछ भी नहीं जानती है ये लड़की, ऐसी हरकतें करती है कभी कभी। तो इधर हमारी पूजा हो चुकी है समाप्त सभी की, और सभी लोगों ने परिक्रमा लगा ली। क्यूट और मैं, हम दोनों अब परिक्रमा लगाएंगे। और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारे गोवर्धन बाबा आप लोगों को कैसे लगे, कैसा लगा हमारा गोवर्धन और कैसी लगी हमारी पूजा। और ये देखिए हमारा लाला इधर बैठा हुआ है अपनी फुलझड़ी लेके, इसको सबसे ज़्यादा जल्दी है कि मुझे पटाखे सबसे पहले जलाने हैं, तो ये सबसे पहले बैठ गया है। फिर मैं बोली नहीं पहले खाना खाओ उसके बाद पटाखे जलाना, तो मैं इधर ऊपर लेकर के इसको आ गई हूँ। तो मैंने कहा पहले इसको मैं खाना खिला देती हूँ। तो हमारे यहाँ देखो कढ़ी चावल पुए पूड़ी रोटी दाल चूरमा और बाजरे का भी चूरमा दोनों का बनाया है हमने, क्योंकि बाजरा हमने, ये हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है तो ये बच्चे हमारे थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सिंपल चावल बनाए थे। तो बाजरे का फिर हमने चूरमा बना दिया था लाला के लिए। तो सभी चीज़ से मैं इनका भोग लगा रही हूँ अच्छे से, और इनको बहुत पसंद है कढ़ी चावल दाल चूरमा, इनको बहुत अच्छा लगता है। और पता है किसी ने मुझे ये भी बताया कि पूड़ी और कढ़ी बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने खाए, मैंने देखा, क्योंकि मैंने पहली बार कढ़ी और पूड़ी खाई थी तो मुझे लगा पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन वाकई में अच्छा टेस्ट था। और आप लोग भी खा के देखना, आप भी बताना फिर आप लोगों को कैसा लगा, तो अच्छा लगा था। और मेरे लाला ने पूरा खाना वगैरह फिनिश करने के बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे नीचे, नीचे हम लोगों ने पटाखे जलाए। ये मेरा बेटा है बड़ा वाला, और लाला बैठा हुआ है कुर्सी पे, उसको तो इन्जॉय करना था। मैंने कहा इधर बैठ जा साइड से, नहीं उसे तो वहीं बैठना था, बस वो उधर ही बिठा दिया फिर उसको। और बच्चों ने खूब सारे पटाखे जलाए, और अब देखते रहिए। और पता है जितनी देर पटाखे जलाए ये भी उतनी देर वहीं बैठा रहा है, बच्चों के साथ में मस्ती की है, और मैं फिर भी ऊपर आ गई थी तो ये आराम से उधर मस्ती करता रहा है। आराम से इन लोगों ने 11:30 बजे तक पटाखे वगैरह जलाए, और साइड में ये भी बैठा रहा है। और छोटा वाला तो बस फुलझड़ी ले लेके उसी को जलाने लग रहा था, और उसको अच्छा भी लग रहा था, उसे मस्ती आ रही थी बहुत सारी, इंजॉय किया उसने भी बैठ करके, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं तो थोड़ी देर ही वीडियो बना करके ऊपर चली गई, बाकी का तो ये 11:30 बजे तक सब लोग ऐसे ही पटाखे जलाते रहे, मस्ती करते रहे, इंजॉय करते रहे, क्यूट भी, क्यूट के हस्बैंड भी, और हम मेरे बच्चे भी, और क्यूट की बेटियां भी। और देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा शैतान बच्चा ये।
और देखो ये छोटा वाला ना, बस जब तक उसकी सारी पैकेट खत्म नहीं होगी ना, तब तक वो जलाते ही रहे जलाते ही रहे। विकरा अब इसका हो गया, मैं अपना जलाऊंगा। और उससे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ और लेके आओ, और ले करके आओ और जलाने। और इधर बड़े बेटे ने मेरे ने अनार जलाया था। फुल इंजॉय किया बच्चों ने दीपावली पे। और देखो ये बीच बीच में ना फुलझड़ियाँ जला रहा है आराम से बैठ करके, तो उसको भी मैं बीच बीच में शूट करती रही थी। इसको भी देखो बीच बीच में, वो छोटा वाला बेटा मेरा, उसको फुलझड़ी ले करके बस जलाने लग रहा है। देखो मम्मी ये भी जला रहा है। और पहले ये लाला की वजह से ना फुलझड़ी चकई अनार ये सब चीज़ें पता है आराम से जलाने लग रहे थे, कि इसको पहले इंजॉय करा देते, ये देखता रहेगा मस्ती करता रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका मन ये कर रहा हो कि बस मैं भी खड़ा हो जाऊँ, खड़ा होकर मैं भी चलाना शुरू कर। और जब मैं इसको नई नई ड्रेस पहनाती हूँ ना, नई नई चीज़ें इसका श्रृंगार करती हूँ, नई नई चीज़ें इसके लिए करती हूँ, मुझे इतना क्यूट लगता है, इतना प्यारा लगता है ना, बहुत गप्पू गप्पू सा लगता है ये। और ये देखो क्यूट की बेटी है, फुलझड़ी जलाने लग रही है। और छोटा बेटा तो बस उसको ही, और ये छोटी वाली बेटी है क्यूट की, और उसके हस्बैंड है साइड में क्यूट भी बैठी हुई है, कि पहले आप लोग इंजॉय कर लो मस्ती कर लो, फिर हम लोग पटाखे चलाएंगे। फिर इन लोगों ने बाद में पटाखे वगैरह जलाए थे। और ये क्यूट की बेटियाँ देखो कितनी मस्ती कर रही है, वो छोटी वाली तो डर रही थी, और वैसे खूब चलाती है, और वैसे कभी कभी नखरे उसके शुरू हो जाते हैं, बस पूछो मत उसका, तो उसकी वीडियो में खुद ही देख लेना पता चल जाएगा कितने नखरे होते हैं उसके। और ये देखो अब बोल रही है मुझे डर लग रहा है, आप भी मुझे पकड़ के जलवा दो, देखो नखरे इसके लड़की के। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।